नमस्कार दोस्तों, हारमोनियम गुरु लेसन में आप सबका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कॉर्ड्स के ऊपर, क्योंकि काफ़ी भाई अभी भी पूछते हैं कि कॉर्ड बनाए कैसे जाते हैं। अभी तक लोगों का ये कन्फ्यूज़न दूर ही नहीं हो रहा कि कॉर्ड बनाए कैसे जाते हैं। सो बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं तो ये चीज़ें बड़ी आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। मान के चलिए आपने एक राग लिया। एग्जाम्पल के लिए मैं सबसे सिंपल राग लेता हूँ जिससे आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाए। हम लेते हैं राग बिलावल, ठीक है। राग बिलावल में आपको पता है कि सारे स्वर शुद्ध हैं, तो ये सा रे गा मा पा धा नी सा, ये हो गया आपका राग बिलावल, है ना। फिर से देख लीजिए, ठीक है जी। अभी इसमें टोटल स्वर गिनिए, कितने स्वर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 स्वर इस राग में लग रहे हैं। आठवां आपका रेपिटेशन है, सा दोबारा रिपीट हो रहा है तार सप्तक में, है ना। वैसे देखा जाए तो 7 ही स्वर है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। तो टोटल कॉर्ड कितने हो गए आपके? 7 और 8 कॉर्ड हो गए। आठवां ये रेपिटेशन कॉर्ड है और 7 कॉर्ड, मतलब आप टोटल 8 कॉर्ड मान के ही चलिए कि आपको इस राग के टोटल 8 कॉर्ड ढूंढने हैं, ठीक है जी। पता चल गया, पहला कॉर्ड सा के लिए होगा, दूसरा कॉर्ड रे के लिए होगा, तीसरा कॉर्ड गा के लिए, चौथा मा के लिए, पांचवा पा के लिए, छठा धा के लिए, सातवां नी के लिए और आठवां कॉर्ड आपके तार सप्तक के सा के लिए, ठीक है जी। टोटल आपको 8 कॉर्ड इस राग के ढूंढने हैं या फिर निकालने हैं। प्रोसेस क्या? अभी प्रोसेस देखिए, हमेशा जो कॉर्ड बनते हैं वो दो तरीके से बनते हैं। दो तरीके की कॉर्ड से हम कॉर्ड बनाते हैं, एक है मेजर कॉर्ड, दूसरा है माइनर कॉर्ड। दो तरीके के कॉर्ड है, मेजर कॉर्ड लगा के देखेंगे और माइनर कॉर्ड लगा के देखिए। तरीका क्या है, देखिए अगर मैं सा का, तो दो मेरे पास दो ऑप्शन है, दोनों कॉर्ड में से एक कॉर्ड लगेगा, सा का या तो मेजर कॉर्ड लगेगा राग में या माइनर कॉर्ड लगेगा, ठीक है। अभी एक चीज़ देखिए, मेजर कॉर्ड होते कौन से हैं? मेजर कॉर्ड वो कॉर्ड होते हैं जिसमें जो गा होता है ना वो शुद्ध लगता है, सा गा पा, ठीक है जी, तीनों के तीनों स्वर शुद्ध होते हैं। माइनर कॉर्ड वो होते हैं जिसमें एक स्वर कोमल होता है, ठीक है जी, जैसे कि कोमल गा यूज हो गया बीच में, सा कोमल गा पा, ये कोड हो गया, ये है मेजर कोड सा गा पा जिसमें तीनों स्वर शुद्ध हैं, और ये हो गया माइनर कोड जिसमें गा कोमल हो गया, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज समझनी, मेजर और माइनर में अंतर क्या है। मेजर में गा शुद्ध का यूज होता है और माइनर में गा कोमल का यूज होता है। अभी देखिए सिंपल सी बात है, राग में तो शुद्ध गा लग रहा है, तो एक बात क्लियर होगी कि सा का जो पहला कॉर्ड बनेगा मेजर बनेगा, क्योंकि इसमें गा शुद्ध लग रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका सा का कॉर्ड, बड़ा सिंपल है ना। सा का पहला कॉर्ड हो गया सा गा पा, अगर कोमल गा लगा लेते तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोमल गा लग रहा है, राग में तो अपना कोमल गा लग ही नहीं रहा, राग में अपने स्वर लग रहे सा रे गा मा पा धा नी सा, गा शुद्ध लग रहा है, तो इसलिए हम मेजर कॉर्ड चुनेंगे, ठीक है जी। पहला कोड निकल गया। अभी देखिए रे का कोड, तो रे के लिए भी हमें क्या करना है, पहले मेजर लगा के देखना है फिर माइनर लगा के। अगर मेजर कोड हम लगाते हैं तो बनता है ये कोड 1 5 8, मेजर का फॉर्मूला होता है 1 5 8, यानी कि अगर मैं इस स्वर का कोड लगा रहा हूं तो मेजर लगाऊंगा 1 2 3 4 5वां स्वर, ये 6 7 8, तो ये हो गया रे का मेजर कोड। अभी इसमें एक चीज नोटिस करिए कि इसमें तो तीव्रमा लग रहा है, तो राग में अपना तीव्रमा नहीं लग रहा है, तो मतलब ये कोड गलत है, ठीक है। अभी माइनर लगा के चेक करेंगे, तो माइनर का फॉर्मूला होता है 1 4 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया माइनर कोड। अभी माइनर कोड में देखिए कौन से स्वर लग रहे हैं, एक तो शुद्ध रे लग रहा है, एक शुद्ध मा लग रहा है और एक शुद्ध धा लग रहा है, तो ये तीनों के तीनों स्वर आपके राग के अंदर आते हैं, देखो सा रे गा मा पा धा, है ना। तो हमने कौन से ये रिकॉर्ड लिया था, रे मा धा, तो ये आपका शुद्ध रे का कोड है, ठीक है। ऐसे कोड बनते हैं, बड़ा इजी प्रोसेस है। अभी देखिए गा का कोड देखेंगे, अगर गा का मेजर कोड लगाते तो ये बनेगा, इसमें आपका कोमल धा आ गया, ठीक है, तो कोमल धा राग में लग नहीं रहा है तो मेजर कोड नहीं लगेगा। अभी क्या करेंगे, गा शुद्ध गा का माइनर कोड बना के देखेंगे 1 4 8 के हिसाब, तो 1 4 8 के हिसाब से आ रहा है गा पा नी, तो तीनों के तीनों स्वर राग के अंदर आ रहे हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, है ना, तो ये गा पड़ा, ये पा पड़ा और ये नी पड़ा, तो ये गा का कोड हो गया गा पा नी। सेम एज इट इज माँ का मेजर कोड लगा के देखेंगे पहले, अगर 1 5 8 के हिसाब से माँ का मेजर कोड निकालते तो आपके स्वर आते हैं माँ शुद्ध धा और तार सप्तक का सा, तो ये तीनों के तीनों स्वर
और राग में ऑलरेडी है, तो हमें इसमें अभी जरूरी नहीं है कि हमें माइनर कोड लगा के चेक करें। तो माइनर कोड लगाएंगे तो कोमल धा आ जाएगा, है ना। जो अगर आपको तीनों के तीनों स्वर ऑलरेडी मिल गए हैं उस कोड में, तो फिर आपको दूसरे कोड के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। दूसरे कोड पे आपके तभी जाना है, जाने की अगर मान के चलो आपका मेजर कोड में ही आपको तीनों के तीनों स्वर मिल गए, तो आपको माइनर कोड को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी माँ का जो कोड बनेगा मा धा सा बनेगा, ठीक है। सेम एज इट इज उसी प्रोसेस से पा का जो कोड बनेगा पानी रे बनेगा, ठीक है जी। धा का जो कोड बनेगा धासा गा बनेगा, ठीक है जी। जो नी का कोड बनेगा नीरे पा बनेगा, और सा का सागा पा बनेगा, ठीक है। इसी प्रोसेस से आप सारे कोड निकाल सकते। तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है, आप लोग पता नहीं इतना कन्फ्यूज क्यों होते हैं। इसी प्रोसेस से आप किसी भी दुनिया के किसी भी राग के कोड निकाल सकते हैं, बहुत इजी प्रोसेस है। देखो मैंने कोई पेपर पेन नहीं लिया, बिल्कुल सिंपल और सरल तरीके से, जितना सरल हो सकता था मैंने उतने सरल तरीके से आपको बताया। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया ना, तो फिर आप लोग क्या करिए, बादाम खाने शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, ठीक है जी। सो उम्मीद करता हूँ ये लेसन अच्छा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई भी देखो तो कमेंट करिए। धन्यवाद, नमस्कार, मित्र, वीडियो में शुक्रिया।